मास के कृष्ण पक्ष की महिमा गाते हैं, पावन महिमा गाते हैं हम रमा एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिलता है क्या उसका फल हम वो समझाते हैं, भक्तों वो समझाते हैं हम रमा एकादशी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनो लगा कर ध्यान, मुचकुंद नाम का एक राजा था जो था बड़ा महान, श्री हरि का परम भगत था करे हरि गुणगान, इंद्र कुबेर वरुण और यम से थी उसकी पहचान, एक कन्या थी उस राजा के चंद्र भागा था नाम, श्री हरि की पूजा करती थी वो सुबह हो शाम, चंद्रसेन के पुत्र से उसका हुआ था दिव्य विवाह, शोभन को पति रूप में पाके नहीं रही कोई चाह, मुचकुंद जी के राज महल में हंसते गाते हैं सारे हंसते गाते हैं, हम रमा एकादशी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शोभन जो था बड़ा कमजोर, भूख प्यास के ऊपर उसका चलता नहीं था जोर, मुचकुंद जी के नियम का पालन हर कोई करता था, एकादशी के दिन कोई ना भोजन करता था, हाथी घोड़े ऊंट श्वान सब भूखे रहते थे, राजा प्रजा एक साथ में मिलकर पूजा करते थे, किसी को भोजन मिलता नहीं था एकादशी के रोज, दशमी को ही होती घोषणा बजा बजा कर ढोल, सारे राज्य में एकादशी का पर्व मनाते हैं, मिलकर पर्व मनाते हैं हम, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की महिमा गाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सबने रखा उपवास, चंद्र भाग का पति जो शोभन वो था बड़ा उदास, बोला अपनी पत्नी से शोभन होकर के परेशान, अगर न भोजन करूंगा मैं तो नहीं बचेंगे प्राण, सहन भूख मैं कर न सकूंगा कुछ तो करो जतन, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं भोजन, चंद्र भागयू पति से बोली यही है एक उपाय, एकादशी का दिन कहीं तुम और बिताओ जाओ, मेरे पिता के डर से कोई चूल्हा न जलाते हैं, कोई चूल्हा न जलाते हैं हम, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की महिमा गाते हैं
कथा सुनाते हैं। शोभन बोला चंद्रभाग से सुनो हमारी बात, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रखूंगा उपवास, कहीं और मैं ना जाऊंगा राजमहल को छोड़, एक रोज भूखा सो लूंगा पलंग में चादर ओढ़, व्रत में करूंगा एकादशी का चाहे जो हो जाए, व्रत का पालन करूंगा चाहे दू मैं प्राण गवाए, रमा एकादशी के दिन रखता वो तो है उपवास, भूख से प्राण निकल जाएंगे उसे हुआ एहसास, इसके आगे जो होता है वो समझाते हैं आपको वो समझाते हैं, हम कार्तिक मास के एकादशी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। से पीड़ित शोभन होके पड़ा निधान, चंद्रभाग से देखा न जाए अपने पति का हाल, रात में था जागरण महल में मची हुई थी धूम, राजा प्रजाओं के मगन मन सभी रहे थे झूम, भूख से व्याकुल हो शोभन ने त्याग दिए हैं प्राण, खबर फैल गई सारे नगर में सभी हुए हैरान, चंद्रभाग पर बिजली टूटी बिखर गए सपने, झरझर झरझर चंद्रभाग के नैन लगे बहने, सारे नगर में शोभन का फिर शोक मनाते उसका शोक मनाते, हम रमा एकादशी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुचकुंद ने उसका करवाया संस्कार, चंद्रभाग के व्याकुल मन में मचाता हाहाकार, पिता के साथ महल में रहती बेटी बड़ी उदास, उसके मन में बची नहीं थी जीने की अब आस, मरण परांत मिला शोभन को मंदिरा चल पर राज, रमा एकादशी का फल उसे भक्तों हुआ था प्राप्त, स्वर्ण जड़ित था महल सुहाना रत्न जड़ित सिंहासन, जिसके ऊपर शोभित होते महाराज जी शोभन, देख के शोभा शोभन की इंद्रा दिल जाते हैं, हाँ इंद्रा दिल जाते हैं, हम रमा एकादशी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कोई कष्ट नहीं था कोई नहीं।
नहीं मला। एक ब्राह्मण मुचकुंद नगर का मंदरा चल पे जाए, शोभन राज सिंहासन बैठे भगत रहे मुस्काए। उस ब्राह्मण ने शोभन जी को तुरंत लिया पहचान, शोभन भी पहचान गया और दिया उसे सम्मान। कुशल प्रेम सब हुई बराबर, ब्राह्मण जोड़ के हाथ, चंद्रभागा के पीड़ित मन की कह देता है बात। सुन के पत्नी की बातें शोभन दुख पाते हैं, हाँ शोभन दुख पाते हैं। हम रमा एकादशी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ससुर तुम्हारे राज रहते हैं मन को मान, कभी कभी ही आते हैं अब तो वो अपने दरबार। दूर करो आश्चर्य हमारा हे शोभन महाराज, कौन पुण्य के बदले मिला है तुमको तो ये राज। शोभन बोला है ब्राह्मण से बात सभी समझाए, रमा एकादशी व्रत के फल से दिव्य राज मिल जाए। स्थिर नहीं है राज्य हमारा जाने कब छिन जाए, स्थिर राज्य हो जाए मेरा कोई करो उपाय। इतना कह के शोभन जी चिंतित हो जाते हैं, हाँ चिंतित हो जाते हैं। हम रमा एकादशी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्थिर हो जाए अश्वमेघ का यज्ञ करूं या करूं द्रव्य का दान, ऐसा मैं क्या करूं तुम्हारा बना रहे यशगान। श्रद्धा रहित व्रत किया था मैंने उसी का ये परिणाम, छिन जाएगा किसी भी दिन ये होगा ये अंजाम। मेरी पत्नी और ससुर से जाके कह देना ये बात, तभी दूर हो पाएगा मेरे सर से पाप संताप। सुन शोभन की बात ब्राह्मण वापस जाते हैं, ब्राह्मण वापस जाते हैं। हम रमा एकादशी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कहता है समझाए, अपने पति की बात सुनी तो दुखी बड़ी हो जाए। सच सच बोल रहे हो तुम या करो स्वप्न की बात, या पहुंचाने आए हो तुम मुझे कोई आधार। ब्राह्मण बोला सच कहता हूँ करो मेरा विश्वास, कैसे तुम्हें मैं यकीन दिलाऊं वो तो बड़े उदास। चंद्रभागा कर जोड़ के बोले सुनो विप्र मेरी बात, इसी समय मुझे उस नगरी में लेकर चलिए आ।
कहते उसके नैना नीर बहाते हैं, नैना नीर बहाते हैं। हम रमा एकादशी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्थिर कर दूं राज, लेकर के मुझे चलो विप्र तुम अभी इसी पल आज। चंद्रभागा को लेकर के वो चले मंदरा चल ओ, राह में वामदेव का आश्रम उधर पाव दी मोड़। वामदेव महर्षि के आश्रम दोनों जाते हैं, ऋषि राज से फिर सारा वृतांत सुनाते हैं। सारी बात सुनी ऋषिवर ने हो जाते हैं शांत, वेद मंत्र उच्चारण करते हैं उसके उपरांत। चंद्रभागा पर मंत्रों का अभिषेक कराते हैं, वो अभिषेक कराते हैं। हम रमा एकादशी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। के व्रत का फल और मंत्रों का प्रभाव, चंद्रभाग को ऋषि राज ने दिया दिव्य सुझाव। दिव्य रूप हो गया तुम्हारा, दिव्य रूप लिया धार, जाके अपने पति का अब तुम साथ करो स्वीकार। चंद्रभाग खुशहाल मगन हो गई पति के पास, नजर गई जब पति के ऊपर बैठा मिला उदास। पत्नी को अपनी देखा सामने शोभन समझ न पाए, दांतों से अपने शोभन अपनी उंगली रहा चबाए। हुआ यकीन के स्वप्न नहीं है, खुश हो जाते हैं वो तो खुश हो जाते हैं। हम रमा एकादशी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। से मैं अपने सारे पुण्य तुम्हें मैं अर्पण करती हूँ, अपने भाग्य का सारा फल तुम्हें तर्पण करती हूँ। मेरे पुण्य के कारण स्वामी स्थिर होगा राज, कायम रहेगा सर पे तुम्हारे सदा सदा ये ताज। पत्नी पति फिर मिलकर अपना राज चलाते हैं, अपना राज चलाते हैं। हम रमा एकादशी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी महान।
संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। माता पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी, स्वामी शरण गहो मैं किसकी, तुम सबके